नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट मैनेजमेंट में आज जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कंपेयर करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से डिफरेंट है। शुरू करते हैं आज के इस लर्निंग वीडियो में। एक छोटा परीक्षा में आने वाला प्रश्न मार्केटिंग से रिलेटेड भी हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न बनता है ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या है। तो संगठन एक तरह की व्यवस्थित प्रक्रिया प्रणाली है, एक ढांचा है जिसमें अनेक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर किसी काम को करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक या अधिक व्यक्तियों के समूह बना के उनमें कार्य के प्रति जो कर्तव्य है उस संबंध को स्थापित और परिभाषित करती है। हर व्यक्ति और समूह के कार्यों के प्रति क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य है, उनमें विभाजन बंटवारा भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सभी काम करने वाले इंडिविजुअल्स और समूहों के बीच में एक प्रभावी संवाद पैदा करती है ताकि कार्य की क्रियान्वति सहजता और सरलता से हो जाए। तो ये व्यक्तियों और समूहों के बीच में संवाद की व्यवस्था भी बनाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो व्यक्ति और समूह को एक साथ काम करने की मैकेनिज्म या ढांचा है जिसमें सभी लोगों के कार्यों के बीच में क्या संबंध है वो परिभाषित किया जाता है। सबकी उत्तरदायित्व, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। प्रश्न, एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन के क्या अभिलक्षण करेक्टरिस्टिक हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो व्यक्तियों का समूह है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा संगठन भी ज्यादा संख्या के लोगों का हो सकता है जिसमें किसी एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के नेतृत्व में सभी जो लोग और समूह है वो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। किसी इकाई में जो संगठन है वो प्रबंधन का एक हथियार हो जाता है काम को एग्जीक्यूट कराने का। तो जो हमारा प्रबंधन है वो ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कार्यों का संपादन करता है। एक संगठन में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का विभाजन किया जाता है। सभी इंडिविजुअल और समूहों की जो कार्य हैं और जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निर्धारित किया जाता है। इन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिभाषित भी किया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक संगठन है वो हमने जो उद्देश्य तय किए हैं, जो अंतिम परिणति किसी व्यवस्था के लिए निर्धारित हुई है उसे प्राप्त करने के लिए संगठन महत्वपूर्ण है। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या एलिमेंट्स हैं या एक संगठन के क्या अवयव हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस की क्या स्टेप्स हैं, इन्हें समझा जा सकता है। सबसे पहले जो संगठन इकाई है उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाएगा। तो जो पहला काम है वो संगठन के संपूर्ण कार्यों को परिभाषित करके अलग अलग इकाइयों में उनका विभाजन है। उन इकाइयों के बीच में आपस में एक बेहतर समन्वय करना, एक से ज्यादा लोगों को जोड़कर काम के लिए समूह बनाना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अलग अलग ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के बीच में जिम्मेदारियां और अधिकारों का विभाजन करना, उन्हें कार्य करने के लिए क्या रिसोर्सेज और कितने लेबर चाहिएंगे उन सब चीजों को असाइन करना, उनकी ड्यूटीज को निर्धारित करना और कार्य के लिए आवश्यक अधिकार डेलीगेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का काम है। सभी समूहों के बीच में जो काम करने के हमारे तौर तरीके होंगे, आपसी संबंध होंगे, उनको बहुत बढ़िया तरीके से पहले से तय करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है और इन सब कार्यों के बीच में समन्वय करना ताकि हमें संगठन के जो गोल है उन्हें अचीव करने में सफलता प्राप्त हो, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का की एलिमेंट है। हमारी परीक्षा में एक प्रचलित प्रश्न है, तीन मिलती जुलती टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन संगठन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और मैनेजमेंट प्रबंधन में क्या अंतर है, इन्हें समझाना है। तो जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है सभी तरह के जो इकाई के कार्य हैं और जो सदस्य गण है उन सबको आपस में बांधना, जोड़ने का काम ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन संगठन कार्यों को और कार्य करने वाले लोगों के बीच में आपस में एक संबंध बनाता है। वहीं जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन है वो तय करता है, निर्धारित करता है कायदे कानून और एथिक्स किसी इकाई में इंस्टीट्यूशन में जिसके तहत कार्यों का संचालन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कानून बनाता है, उनका निर्धारण करता है। वहीं जो प्रबंधन है मैनेजमेंट है उसका कार्य है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो काम करने हैं उन कामों का संचालन करना और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कायदे कानून एथिक्स तय किए हैं उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्थाओं को चलाने का। एक
ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है वो मैनेजमेंट प्रबंधन का एक कंपोनेंट है। जो संगठन की कंपोजिशन है उसका जो निर्धारण है, प्लानिंग है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। वहीं जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सामूहिक कार्य की जो पूरी क्षेत्र है उसका रूप है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लानिंग की है या ऑर्गेनाइजेशन ने जो संगठनात्मक ढांचा बनाया है उनके साथ कमांड और डायरेक्शंस, निर्देश की व्यवस्था भी है, ताकि कार्यों का निर्वहन करके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सके। हम कह सकते हैं कि एक संगठन है वो ह्यूमन बॉडी में जिस तरह से न्यूरॉन कार्य करते हैं पूरी बॉडी के आपस में समन्वय का, वैसा समन्वय का काम ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जैसे हमारा शरीर का ढांचा है, उस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन का ढांचा है। वहीं मैनेजमेंट है वो पूरे शरीर का जो कार्य प्रणाली है उसे कहा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन या संगठनात्मक ढांचा है वो कार्यस्थल में इस तरह की प्लानिंग का करना है कि वो कार्य की जो फाउंडेशन है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा कर दे। वहीं जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है और वो कायदे कानून बनाता है वर्क प्लेस में, जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के अनुरूप कार्य किए जा सके। और जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो सभी कार्यों की सुपरविजन करेगी और स्टाफ के जितने भी सदस्य हैं वो तयशुदा प्लानिंग के अनुसार कार्यों को एग्जीक्यूट करे, इस बात का निर्धारण करेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी स्तरों के जो स्टाफ सदस्य हैं उनका आपस में मिलजुल कर काम करना मुख्य ध्येय है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी स्तरों के जो संगठन के स्टाफ सदस्य हैं उनका आपस में मिलजुल कर काम करना है। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हायर लेवल के जो हमारे स्टाफ हैं उनके कार्यों को हम कह सकते हैं, और जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो दोनों हायर और लोअर लेवल के जो स्टाफ हैं उनके बीच में कार्यों के विभाजन को प्रभावी रूप से करना प्रबंधन है। ऑर्गेनाइजेशन का काम संगठनात्मक कार्य है, चीजों को आपस में जोड़ने जैसे काम ऑर्गेनाइजेशन के हैं। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का काम कायदे कानून नियमों का निर्धारण करना और उनको अप्लाई करना है। वहीं मैनेजमेंट का काम जो कायदे कानून बने हैं उनके द्वारा कार्य को पूर्णता की तरफ, एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाना है। ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इफेक्टिव मशीनरी है, सभी अंगों का एक ढांचागत संरचना है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को एक टीम की भांति ही पूरा करने के लिए हमने बनाए हैं। वहीं जो प्रशासन के कार्य हैं वो इस टीम को सही तरीके से काम करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शंस को तय करना है। और जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो सभी प्रभावी कार्यों को ठीक से एग्जीक्यूट करने का काम, क्रियान्वयन का काम मैनेजमेंट करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी एंटरप्राइजेज का जो एंटायर स्ट्रक्चर है उसका निर्धारण करती है, उस ढांचे को किस तरीके से चलाना है वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है, और वो जो ढांचा है वो प्रभावी रूप से अपने कार्य करे, ये प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षाओं में एक बहुत आसान और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है मार्केटिंग और मार्केटिंग रिसर्च को समझाने के बारे में है। मार्केटिंग या विक्रय प्रबंधन विपणन है, वो ऐसी एक्टिविटीज को बताता है जो कोई कंपनी करेगी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आगे बढ़ाने, प्रमोट करने और विक्रय करने के लिए, ताकि कंपनी को उन प्रोडक्ट और सर्विसेज से जो लाभ प्राप्त होगा उससे कंपनी का विकास, विस्तार और दूसरी एक्टिविटीज की जा सके। एक मार्केटिंग की जो एक्टिविटी है उसमें बहुत सारी बातें शामिल है, इसमें एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार के कार्य हैं, सेलिंग बिक्री के कार्य हैं, और प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, सर्विसेज प्रोवाइड करना और दूसरी जो सपोर्ट एक्टिविटीज हैं उन्हें करना भी मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग को भी हम रिसर्च से ज्यादा गहरे शोध कार्यों से बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए हम मार्केटिंग रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च इस तरह की तकनीकों का समूह है जो जानकारियों को इकट्ठा करेगी और उससे कंपनी का जो टारगेट मार्केट है उसे समझने की कोशिश करेगी। कंपनी जो कार्य कर रही है और जो मार्केट का रुझान है उसके बीच में मिलान करने का कार्य मार्केटिंग रिसर्च करेगी। मार्केटिंग रिसर्च से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी उसे हम व्यापार में ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर्स को पसंद आए उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। वो कीमत, क्वालिटी, परफॉर्मेंस में सुधार होंगे ताकि कंज्यूमर्स में वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी पहुंच बना सके। ये उपभोक्ताओं के अनुभवों से अपने प्रोडक्ट्स में
सुधार करेंगी, मार्केट में प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाने की जो रणनीतियां हैं उन्हें तैयार करेंगी और इस तरह से गुणात्मक सुधार करके अपने प्रोडक्ट को आकर्षक बनाएगी ताकि उसके उपभोक्ता तक पहुंचने की जो कन्वर्जन रेट है उसमें बेहतरी हो जाए। मार्केट रिसर्च के कुछ कॉमन सामान्य तरीके हैं जिनमें सर्वे सर्वेक्षण है, लोगों से साक्षात्कार इंटरव्यूज हैं, जो फोकस ग्रुप हैं उनकी समझ बनाना है और सामूहिक रूप से ऑब्जर्वेशंस करना है। सर्वे में हम तयशुदा प्रश्नों के साथ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर्स के क्या नजरिए हैं उन्हें जान सकते हैं। इंटरव्यू में हम किसी दूसरे व्यक्ति से उसके विचारों को पहचान कर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में सुधार कर सकते हैं। फोकस ग्रुप वो समूह हो सकते हैं जो हमारे उत्पाद के उपभोक्ता हैं और उनपे किस तरह से हम ज्यादा बेहतर ध्यान दे सकते हैं, इस तरह की जानकारियां प्राप्त करना फोकस ग्रुप एक्टिविटीज हो गई। और एक सामूहिक रूप से किस तरह का हमारा परिवेश में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे हमारे कंपिटिटर क्या कार्य कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के नजरिए में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब बातें ऑब्जर्वेशन का अंश हो सकती है। प्रश्न है मार्केटिंग रिसर्च के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो जो अच्छी मार्केटिंग रिसर्च है उसके साथ अगर आप प्रोडक्ट को बनाते हैं तो आपकी विक्रय की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप उपभोक्ता के पास ज्यादा तेजी से पहुंच जाएंगे और आपकी जो विक्रय है उसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो किसी प्रोडक्ट को अगर फास्ट राइज ग्रो करना है तो मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग रिसर्च एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है विक्रय को बढ़ाने का। अक्सर इस तरह की मार्केटिंग रिसर्च में सही स्ट्रेटेजी प्लानिंग और एफर्ट्स तो चाहिए लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो ऐसी स्थितियां नहीं है, ये कम खर्च में भी बढ़िया प्रभावी तरीके से की जा सकती है और उसे चीजों को शुरू भी किया जा सकता है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मार्केटिंग रिसर्च का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इस प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धा के जमाने में अपने उत्पाद को आगे लाने का, उसमें कुछ ऐसी कटिंग एज बनाना ताकि वो जल्दी से उपभोक्ताओं को पसंद आने लगे और विक्रय की हमारी जो मात्रा है वो किसी भी दूसरे कंपटीटर प्रोडक्ट से ज्यादा तेजी से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ बनी होगी और वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से किस तरह से उसकी तुलना है उसे भी आपने जाना है और एक छोटा प्रश्न मार्केटिंग और मार्केटिंग रिसर्च क्या है उसका उत्तर लिखना भी आपने सीखा है। आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें, प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की करें, इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।